हरे कृष्णा वात्सल्यामृत सोइंग द राइट सीड के प्योर एसोसिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं शुक्रताल धाम की यात्रा पर। शुक्रताल धाम वह स्थान है जहां श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी। शुक्रताल धाम की जय। तो आइए हम अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आज की यात्रा आरंभ होती है श्री राधा गोविंद देव के मंगला आरती दर्शनों के साथ। मंगला आरती दर्शन के बाद सभी भक्त अपनी अपनी बस में सवार होकर शुक्रताल धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा पर जाते हुए हमने हिज ग्रेस श्री अद्वैत आचार्य प्रभु द्वारा धाम अपराध के बारे में जाना। उन्होंने हमें बताया कि हमें धाम अपराध के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम अपनी यात्रा का संपूर्ण लाभ उठा सके और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा सके। उसके उपरांत नरसिंह आरती और हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए हमने अपनी यात्रा को जारी रखा। यात्रा के दौरान हमने हरगृह सीता ठकुरानी माता जी द्वारा श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण किया। इस अध्याय का नाम है भगवान का मत्स्य अवतार। यत्से व्ययागेरि वरुदन्यरोदनम् कुमान विजत आत्ममल आत्ममास्तदम् भजेत वर्ण। अभी हम पहुंच गए हैं शुक्रताल धाम में। हरि बोल। मंदिर की ओर जाते हुए हमने उस वट वृक्ष को भी देखा जो श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को की गई श्रीमद् भागवतम कथा का साक्षी बना था। सभी भक्तों ने इस वट वृक्ष को प्रणाम किया, इसका आलिंगन किया और परिक्रमा की। भगवान श्री कृष्ण श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित और अन्य ऋषियों के और महर्षियों के विग्रह के दर्शन किए। यहाँ शुक्रताल धाम में इस्कॉन नोएडा द्वारा श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर भक्त श्रीमान वंशीधर प्रभु द्वारा की गई कथा के श्रवण का लाभ उठा सकेंगे। हम सभी मंदिर के प्रांगण में बैठ गए और हरगृह सीता ठकुरानी माता जी ने मत्स्य अवतार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। थोड़ी ही देर में कलश यात्रा निकलने वाली है। तब तक कुछ भक्तों ने पेड़ के नीचे आराम किया और कुछ भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। कलश यात्रा के लिए जाते हुए हमने भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के दर्शन किए। रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ
बलदेव और सुभद्रा महारानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। सभी भक्त बहुत ही प्रसन्नता से नृत्य कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। गंगा तट पर पहुंचकर कुछ भक्तों ने बोटिंग का आनंद लिया। आपका सुनाली नदी है, इसका जल जो है पीला है, और ये जो गंगा नदी है इनका जल थोड़ा साफ है। ये गंगा जी और सुनाली नदी दोनों का इधर संगम है शुक्रताल धाम में। हरी बोल। और कुछ भक्त ई रिक्शा पर सवार होकर परिक्रमा के लिए चल दिए। परिक्रमा पर जाते हुए हमने बहुत से मंदिरों में दर्शन किए, जिनमें नवग्रह मंदिर, राम जानकी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और अन्य मंदिर शामिल हैं। तो आइए इन मंदिरों की कुछ झलकियों का आनंद लेते हैं। उपरांत हमने इस्कॉन नोएडा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण किया। मंच बहुत ही सुंदर लग रहा है। वहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी आसीन हैं और श्रीमान वंशीधर प्रभु द्वारा सुमधुर कृष्ण कथा की जा रही है। सभी भक्त बहुत ही उल्लास और आत्मीयता से कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा के उपरांत आरती हुई और कुछ भक्त कथा श्रवण करने के लिए पूरे सप्ताह भर वहीं रुक गए और कुछ भक्त नोएडा वापस आने के लिए बस की ओर चल दिए। कोई भी इस शुक्रताल धाम से वापस नहीं जाना चाह रहा था। यहाँ का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और आत्मा को सुख पहुंचाने वाला था। कीर्तन के साथ सभी भक्तों ने अपनी वापसी यात्रा का आरंभ किया। आगे चलकर सभी ने अपने साक्षात्कार को साझा किया जो उन्हें इस शुक्रताल धाम की यात्रा के दौरान अनुभव हुआ था। तो आइए हम उनमें से कुछ भक्तों के साक्षात्कार को सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो आज जो हमारा जो प्रोग्राम रहा बहुत ही अच्छा था। तो आप सब जानते हैं कि जो भागवतम हम अध्ययन करते हैं घर में, तो वो श्रीमद् भागवतम शुक्रताल में सुनाई गई। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। इस धाम में
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम कहीं जाते हैं धाम में और अगर भक्तों के साथ जाते हैं तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। सुकरताल दिल्ली से या नोएडा से कुछ 150 किलोमीटर है, हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं, हम कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हम जनरली नहीं आते हैं। जब हम आते हैं तो भक्तों के साथ आते हैं तो उस धाम के आनंद ही बढ़ जाता है। पहली बार मैं सुकरताल करीब करीब 15-16 साल पहले आया हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बीच में दो बार और आया था। बस ये तो मुझे एक बार कथा हो रही थी, और एक बार गुरु महाराज ने यहाँ पर यात्रा लेकर आए थे, काफ़ी वक्त आए थे। तो ये चौथा ट्रिप था मेरा। तो आजकल मैं श्रीमद् भागवतम की स्टडी कर रहा हूँ, भक्ति वैभव। तो मेरी इच्छा थी कि चूँकि पहली बार यहाँ पर श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परिचित महाराज को सुनाई थी, तो मेरी भी इच्छा थी कि अब मैं भागवतम शुरू कर रहा हूँ, मैं धाम में जाऊँ और ये अनुभव करूँ किसी परिचित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने किस तरह से कथा अपने मुखार बिंदु से सुनाई कि उनको इतना अच्छा लगा कि 7 दिन तक बिना कुछ खाए और पिए श्रीमद् भागवत की कथा वो सुनते गए और सुनते गए। उनके पास जीवन में केवल 7 दिन थे और 7 दिन के पश्चात जो उनको श्राप मिला था उसके अनुसार उनकी मृत्यु होनी थी। तो सुखदेव गोस्वामी को वे कथा 7 दिन में सुनानी थी और परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन ही था, लेकिन हमारे पास पता नहीं 7 मिनट भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम ये चाहते थे कि हम धाम जाएं, सुने, वहाँ पर वट वृक्ष का दर्शन करें, मंदिर का दर्शन करें, गंगा स्नान करें, संगम भी हम लोग गए थे बोटिंग के द्वारा और वहाँ के मंदिर के दर्शन किए। मैं ज़्यादा परिक्रमा नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा समय लग गया। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी यात्रा थी। हम बच्चे प्रभु जी का और सभी भक्तों का हार्दिक रूप से धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके, प्रसादम बहुत टेस्टी था और मैंने परिक्रमा भी लगाई, बहुत सारे मंदिर में दर्शन भी किए और बहुत सारे मंदिर में दर्शन भी किए और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। हरी बोल। आप नाना जी आप कुछ कहिए। पहले आए हैं, जब आया उसका ये सब कुछ नहीं था, मगर इस बार परिक्रमा जो की है, जगह जगह चला है, देख कर बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा मजा। हरी बोल माता जी। जाना ऐसे करना, ऐसे तैयार है ना, ठीक है। तो मैंने इसका रिस्पॉन्स जाना, बस मैंने
एक्साइटेड फॉर मी कि मैं फर्स्ट टाइम में आ रही हूँ एंड यहाँ पे तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड कनेक्शन. थैंक यू सो मच. बट स्टिच को देख के मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई एंड इट्स माय वर्ड्स इन वॉइस शॉर्ट टू डिस्क्राइब दैट बिकॉज आई कुड कनेक्ट कि यू नो इस टाइम यहाँ पर उन्होंने ऐसे कहा था एंड आई एम लकी टू बी हियर एंड कलश यात्रा वाज आल्सो प्रभु जी का. एक्चुअली ये आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए ये यात्रा हमने नहीं ऑर्गेनाइज की है, हमारे श्रीमान वंशीधर प्रभु जो इस्कॉन के को प्रेसिडेंट हैं उनकी यहाँ पर भागवत कथा हो रही है 7 दिन के लिए. तो आज टुडे वाज द फर्स्ट डे और भागवतम की जो कथा होती है 7 दिन तक चली थी, इसलिए जनरली भागवतम की कथा 7 दिन तक होती है. तो प्रभु जी यहाँ पर वंशीधर प्रभु जी जो हमारे इस्कॉन के को प्रेसिडेंट हैं वो ये कथा 7 दिन तक करेंगे यहाँ पर. तो आज का ये पहला दिन था. हाँ, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा कलरफुल टेंपल है और हाइजीन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे, नीट एंड क्लीन था कंपेयर टू अदर प्लेसेस आई हैव बीन टू. और ट्री बहुत बढ़िया था, ऐसा लग रहा था पूरा मंदिर ट्री के अंदर बना हुआ है और ट्री की ब्रांचेज में आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट हाउ ओल्ड द ट्री इज, कितना पुराना है. और एक दो बंदरों का वीडियो बनाया है मैंने जो बहुत ही अच्छा था और इट्स अ वंडरफुल प्लेस. और घर पे बैठने से टीवी देखने से अच्छा है कि आप लोगों से मुलाकात हो गई. बताइए कैसा लगा आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आप सबके एनर्जी देख के पॉजिटिव वाइब्स देख के बहुत अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लग रहा था और वहाँ जाके तो और ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक वाइब खानी बहुत अच्छी थी और बहुत टाइम के बाद हरी नाम सुना और बोला ये और ज़्यादा अच्छा. हरी नाम प्रभु की जय. बोलिए. आज मैंने इतने सारे टेम्पल्स के दर्शन करे थे और परिक्रमा भी करी थी और उनके बारे में जानने को मिला मुझे कैसे हुआ था क्या क्या. थैंक यू. हरी बोल. हरी बोल. मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, बिहार से रहने वाला हूँ, कंपनी में काम करता हूँ. ब्रह्मा जी इन्फॉर्मेशन दिए कि संडे को चलना है. सैटरडे को जब मैं जॉब से 7 बजे आया तो ब्रह्मा जी बोले कि चलना है, कि कहाँ चलना है, तो यहाँ हरिद्वार चलना है. इन्फॉर्म किया 4 बजे भोर में कि चलना है 86 के पास. फिर आया आफ्टर ऑल यहाँ सब चीज़ अच्छा लगा, इंजॉय किए, स्नान किए, सब चीज़ प्रसाद सब चीज़ बहुत ही बढ़िया लगा. और नेक्स्ट टाइम अगर वैसा हुआ. थैंक यू. पार्थ प्रभु अपना अनुभव बताएं. हरे कृष्णा. एक दो बार आ चुका हूँ शुक्रवार पहले भी महाराज के साथ और इस बार आए गंगा स्नान किया, बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा. कई ऐसे मंदिर देखे जिनके बारे में सुना नहीं था पहले, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर देखा जहाँ पे वो विष्णु के बाद आए थे और गंगा स्नान किया जो मेरी इच्छा थी बहुत टाइम से. बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया लगा. वो इच्छा पूर्ण हो गई. ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था. कथा सुनी थी आपने? कथा 10-15 मिनट सुनी बस, लेट पहुँचे थे. प्रसाद हाँ प्रसाद भी अच्छा था. प्रसाद भी अच्छा था. प्रसाद अच्छा था. लेन एंड हम तो सुखलाल पहले भी आ चुके हैं और हर साल मतलब आने की कोशिश करेंगे. बहुत अच्छा लगता है यहाँ और जो भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में व्यवहारिक कुछ का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा. माता जी बताएंगी? माता जी आकर बहुत अच्छा लगता है. माता जी चलते मेरा दर्शन हो गया सुखलाल का, इसलिए उनको धन्यवाद कर रही हूँ. वही लेकर आई थी. हरे कृष्णा. शुक्रताल की पहली धाम यात्रा थी और इसमें बंसीधर प्रभु जी के सानिध्य में जो हमने इस धाम का आस्वादन किया है, इसमें ऐसा लग रहा था कि सुखदेव जी बंसीधर प्रभु जी के कंठ में आके इस तरीके से और उस तरीके से हम लोगों को भागवत कथा बता रहे हैं और हम उसका साक्षात आस्वादन कर पा रहे हैं. इस कलयुग में मतलब इस तरीके से हम मंटू मन हो पा रहे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हो पाएगा. इसके लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. अरे अरे माता जी आते हो हमेशा मंदिर में, लेकिन ट्रिप में पहली बार आए शुक्रकाल में, पहली बार है. बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखा, बहुत अच्छा से मंदिर
जाना है। और ये जब जानकारी हुई कि वहाँ सुखजी महाराज पहली बार भागवतम राजा परीक्षित को उन्होंने भागवतम का ज्ञान दिया था, तो तब से इतनी उत्सुकता थी कि वहाँ चलें। और आकर के यहाँ देखा तो लगा कि हाँ कहीं आए हैं। और गंगा के तट पे ये भी सुना था, गंगा के तट पे, तो सोच रहा था तब से कि गंगा के तट पे या कहीं ऐसे बैठ के, तो हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया और ये गंगा यहाँ बगल से ही निकल रही। तो ये पहला हमारा यहाँ था और बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो मंदिर का भी व्यवस्था था वो भी बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, मेरा सेकेंड टाइम आया शुक्रवार, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मंदिर में दर्शन है, वट वृक्ष का हमने दर्शन किया, उसके बाद हम परिक्रमा पे गए, गंगा स्नान किया, आके फिर हमने भजन कथा सुनी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और उसका मैनेजमेंट का थैंक यू कहना चाहूँगा, उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। बस की बुकिंग है, साफ सुथरी बसेज हैं, बहुत अच्छा प्रशासन है, तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि एक दो दिन हम कथा सुनने के लिए एक दो दिन का प्लान करके आए। हरे कृष्णा, तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शुक्ता धाम आके। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे शुक्ता धाम में, और बहुत ही सुंदर लगा जब वट वृक्ष के दर्शन किए। और जैसा बताया कि वहाँ पर श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई थी परीक्षित महाराज को पहली बार। और जैसा कि पंचकर प्रभु जी की कथा में भी बता रहे थे वो, कि हम लोग भी कैसे होता ना कि हम ये तो सुनते हैं कि भागवतम की कथा यहाँ हुई, लेकिन अभी ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारे लिए कोई रेलेवेंट है या हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा प्रभु जी ने बताया कि हम चैंटिंग करते हैं तो एकदम जैसे अगर मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है तो हम देखते हैं, मोबाइल अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कली आ गया यहाँ पर। तो कली अगर एंटर कर रहा है तो हमें भागवतम की कथा श्रवण का भी महत्व है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कलयुग को भला सकते हैं। और उन्होंने जैसे बताया कि हम रेगुलर है, हम चैंटिंग कर सकते हैं और भागवतम पढ़ सकते हैं। तो ये आज मुझे शिक्षा मिली कि हमें रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ पर सबका एसोसिएशन मिला, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और मैं बार बार ऐसे ही सबके एसोसिएशन में आना पसंद करूँगी कि जिससे हम आए और अच्छे से एसोसिएशन भी कर पाएँ और हम अपना जो भक्ति है उसको भी बढ़ा पाएँ। बोला मैं आप सबसे आशीर्वाद की याचना करूँगी कि आप सब आशीर्वाद दें कि जो काम में आकर रियलाइज़ किया है उसको आगे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाऊँ और थोड़ा आगे बढ़ भी पाऊँ। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, ये तो बहुत ही पवित्र धाम है। यहाँ पे स्वयं सुखदेव महाराज ने यहाँ पे स्वयं भागवतम बताई, तो ये तो ऐसा है कि यहाँ पे तो अनुभव सबके लिए आना, यहाँ आना बहुत ही बड़ी चीज़ है, पवित्र धाम है। हम तो चाहते हैं कि जो भी हमारे संपर्क में आए उन सबको यहाँ पे आना चाहिए और आके यहाँ पे एकदम ये रस लेना चाहिए जो भागवतम का रस है जो यहाँ पे हमने बताया। तो उससे क्या होगा, हमारी जो आत्मा है शुद्ध हो जाएगी और हम आगे भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू प्रभु। विष्णु अवतार प्रभु जी, आपके मुखार बिंदु से कुछ सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा भी कहता भगवत कथा सुनी, जोर से जोर, बहुत आनंद आया। जैसे परीक्षित महाराज को तो 7 दिन मिले थे, मेरे को तो ये इमेज हो रहा था आज मेरा लास्ट दिन है। अरे वो। मैं उसने ध्यान से सुन रहा था और मेरे लिए प्लेन खड़ा हुआ जाने के लिए, हरे कृष्णा। मेरा नाम शाश्वत है, आज मैं पहली बार आया था यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करने के बाद। और हमने फिर डुबकी भी लगाई गंगा में और बहुत आनंद आया, फिर हमने कथा भी सुनी। ठीक है प्रभु जी, आप। हरे कृष्णा सबसे पहले तो मैं इस्कॉन नोएडा की पूरी टीम को,
हार्दिक बधाई देता हूँ और अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। इतनी तत्परता के साथ टीम इस सामाजिक उत्थान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इतने पुरजोर प्रयासों के साथ लगे हुए हैं, ये एक मेरा बड़ा ही अद्वितीय अनुभव रहा पूरे जीवन का। शायद इसके बारे में मैं धार्मिक रूप से तो जुड़ा हूँ, बट ये जानकारी कभी नहीं थी कि सुंदरताल कोई जगह है जहाँ पे राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी, क्योंकि भगवदगीता डिटेल में कभी सुने तो है बट ये वाला पोर्शन साइड टच नहीं कर पाए थे। एक अलग ही अनुभूति थी और बंशीधर प्रभु ने पूरे जो भी वहाँ पे उपलब्ध थी जनता उनको इंगेज करके रखा अपने प्रवचनों के द्वारा, तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही सुखद अनुभव रहा और पूरा सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज था, वेल कम्पोज थी चीजें, कहीं पे कोई हमें सुविधा नहीं मिली। तो मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ और आगे इस तरीके के कार्यक्रमों में मेरी जुड़ने की लालसा है ताकि इस काम के साथ जुड़ करके हम भी समाज के उत्थान में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। साक्षात्कार सुनने के बाद हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे और नोएडा पहुँच कर हमने अपनी इस यात्रा को विराम दिया। हमारी इस यात्रा को अब हम यही विराम देते हैं और ये आशा करते हैं कि हम जल्दी ही किसी अन्य धाम यात्रा पर जाएंगे। वैसे तो कृष्ण के धाम कृष्ण से अभिन्न हैं और हम किसी धाम की किसी अन्य धाम से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक धाम सभी भक्तों को बहुत ही प्रिय होता है। तो आप सब हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा धाम बहुत अधिक प्रिय है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा धाम है जो बहुत ही प्रिय है और आप वहां पर जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।